Hello Sagittarius, welcome back to your channel Divine Bubble Tarot with me Sushmita, your tarot reader. देखते हैं आज इस वीडियो में आपका मई 2022 कैसे रहने वाला है. इस वीडियो में आपको जवाब मिलेंगे कि ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है. अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं तो कैसा रहने वाला है. अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो कैसा रहने वाला है, क्लियर होगा या नहीं. रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं और रिलेशनशिप कहाँ जा रही है. इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको दबा के जाइएगा. तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, कार्ड्स में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ सजिटेरियस. फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे मेरे पास द हाई प्रीस्टेस. तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड पहले ही मुझे बताता है इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चलेगी आपकी. हो सकता है अप्रैल के मंथ से जब आ रहे हों, अप्रैल का लास्ट का फेज, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी. आप सोच रहे हैं किसी बारे में, मोस्ट लाइकली जो आप अभी देख रहे हैं शायद फीमेल हो सकते हैं, नहीं तो फेमिनिन एनर्जी के ऊपर आपका ध्यान हो सकता है. ओके, यहाँ पे आप क्या चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. देर इज़ सक्सेस, नेक्स्ट देर इज़ गेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स. तो आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके काफ़ी सीरियस हो सकते हैं इन द पास्ट. एंड किंग ऑफ वॉन्ड जिसको देख रहे हैं, यानी कि एक कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके इन गोल्स को ऑब्जर्व कर रहा है. नेक्स्ट जो सेंट्रल कार्ड है मे में, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपका जो मे है, पहले की फाउंडेशंस की वजह से जो आपने पहले अच्छे काम किए हैं इन योर करियर, बिजनेस, एजुकेशन, उसका आपको मे में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है. अगर आप एग्ज़ाम देंगे, समथिंग रिलेटेड टू बैंक, फाइनेंसेस या मनी के सेक्टर में अगर आप हैं, वेल्थ क्रिएशन के सेक्टर में हैं, वेल्थ क्रिएशन तो सभी में है, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है. अगर आप काउंसलिंग के सेक्टर में हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि साइकोलॉजी, एक्चुअल साइंसेस, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब कुछ काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आप मई में देखें तो, और अगर आप इस डोमेन में हैं तो भी. नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है, जैसे जैसे आप मई से निकलेंगे, वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड दी सेवन ऑफ कप्स. इस स्टेबल स्टेट से आप मूव करने वाले हैं बिकॉज यू पिकिंग अप सम न्यू चैलेंजेस. कुछ नया जो आपको थोड़ा सा ट्रिगर करता हो, है ना, जो चैलेंज देता हो, स्टेबल एनर्जी से निकल रहे हैं. दैट इज़ हैपनिंग अगेन. एंड यू आर पिकिंग अप अ न्यू हॉबी ऑल्सो, ये भी यहाँ पे काफ़ी पॉसिबल है. नेक्स्ट चल लेते हैं अब टू द अदर पार्ट ऑफ द रीडिंग, दैट इज़ लव एंड रिलेशनशिप्स. तो आपकी फीलिंग्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले आपकी फीलिंग्स में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स. तो मुझे ये बताता है कि आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं लोगों के साथ अबाउट योर पार्टनर. एंड हो सकता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप एक स्टैंड स्टिल पे आ गई हो, एक होल्ड पे आ गई हो काफ़ी टाइम से. एंड दैट इज़ अनोइंग यू अ लिटिल. आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी डर रहे हैं इन द रिलेशनशिप की, कहीं डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए, या फिर रिलेशनशिप की एक अनसर्टेन एंडिंग से भी हो सकता है डर रहे हों. देखिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द पेज ऑफ सोर्ड्स. आप जो है इस डर को लेके मन में हो सकता है कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद योर पार्टनर, जिससे इमोशनल इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो सकती है, या तो आप खुद काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इमोशनली इनसिक्योर थोड़ा सा फील कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है यहाँ पे. इस सिचुएशन को ज़्यादा जानने के लिए वी विल हैव टू लुक एट योर पार्टनर्स फीलिंग्स, जिसके लिए भी कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं. फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए आई प्रिंस ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स. यानी कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि कहीं एक सिचुएशन स्टैंड स्टिल में तो नहीं चली गई है, होल्ड में तो नहीं चली गई है. बट लेट मी गिव यू दिस कम्प्लीट क्लैरिफिकेशन कि वो इमोशनली इन्वॉल्व्ड है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा. तो जो ये आपका डर है कि वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, ये इमोशनली मूव ऑन कर चुके हैं, वो सच नहीं है सैजिटेरियस. ओके, दे आर देयर विद यू, दे केयर फॉर यू अ लॉट. नेक्स्ट यहाँ पे रोमांस एंजल्स के भी मैसेजेस देख लेते हैं. और बहुत ही सुंदर कार्ड है सबसे पहला कार्ड, विच इज टॉकिंग अबाउट ट्रू लव. सो ये कार्ड हमें कहता है कि यहाँ पे जो अफेक्शन है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही ट्रू है. यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं. को डिपेंडेंसी का कार्ड है.
ये थोड़ा मैं बोलूँगी आपकी तरफ से हैवी एनर्जी है, बिकॉज वो थोड़ा अपने काम में हो सकता है इन्वॉल्व्ड हो और आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनका सपोर्ट मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी आपके मन में आ रही है। थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए अगर वो थोड़ा सा अपने में इन्वॉल्व हैं। आई विल सजेस्ट यू दैट। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और फाइनल कार्ड है मेरे पास फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो प्लेफुलनेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस सिचुएशन को एक लाइटर नोट पे लेकर जाने का सजेशन आपको डिवाइन देते हैं। एंड अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग के बारे में ये है कि आप छोटी छोटी जो भी डिटेल्स ये फील कर रहे हैं अबाउट द कनेक्शन, थोड़ा सा उसको ब्रेक देना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा अभी खुद में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो उनका भी एक सेपरेट कार्मा है, एक आपके साथ जुड़ा हुआ, एक उनका अलग सेपरेट सैजिटेरियस, राइट। आपके साथ भी वो कनेक्शन को बहुत वैल्यू करते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, यहाँ पे जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको हटाना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा टाइम आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। स्टडी का यहाँ पे ऑल टुगेदर कार्ड है, यानी कि करियर के ऊपर फोकस। अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया मंथ है करियर के लिए, काफ़ी बढ़िया मंथ है मई 2022। रिलेशनशिप सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रल मैं कहूँगी, बाकी इट्स ऑल गुड, नथिंग मेजर फॉर यू सजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।